पाली में पौराणिक अठोर मेला परंपरागत तरीके से मनाया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी मेले में भाग लिया और अठोर मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिलाने की घोषणा की। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से लबरेज अठोर मेला पाली गांव में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। जनसमूह के द्वारा किए गए लोक नृत्य ने मेले में समा बांध दिया। मेले में भाग लेने पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जाख सोमेश्वर सहित अन्य लोक देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर बड़ी घोषणा करते हुए गणेश सिंह ने कहा कि अठोड़ मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिलाया जाएगा। क्योंकि किसी भी समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है और सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का होना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर एक मांग की गई कि इसको राज्य मेला घोषित किया जाए। मैंने उसकी भी घोषणा की है, माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत कर 5 साल में एक बार बहुत बड़े स्तर पर यह मेला होगा और उसको राज्य मेला घोषित किया जाएगा। भेड़ों का मेला है, पौराणिक मेला है, ये सदियों से चल रहा है और बुजुर्गों से सुनते थे हम कि जो ये मेला है, ये हमारे जो सोमेश्वर महाराज जी हैं, ये बेडाल इसके ठेवल सदियों से ये मेला हमारे यहाँ होता जा रहा है। ये हर 3 साल होता था और ये जो है कोरोना के बीच में, कोरोना के महामारी के चक्कर से जो है इस बार 7 साल में हो रहा है। यह मेला हमारे सोमेश्वर देवता का है, मतलब पहले से होता है हमारे सोमेश्वर देवता का। हमारे सोमेश्वर देवता पहले मतलब भिड़ाल भिड़ाल तो बोलते हैं कि पहले भिड़ाल था, बोल सोमेश्वर देवता मतलब ऐसे बोलते हैं कुछ, उस चक्कर से ये मेला होता है हमारा। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements. Atal Incubation Center for nurturing startups. Industry Academia collaboration for exposure of real industry world. 20 centers of excellence for research. Saathi Global Festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।